दोस्तों फिल्में तो हम सब देखते हैं और उन फिल्मों को हम प्यार भी देते हैं, पसंद भी करते हैं, तभी वो फिल्में हिट या फ्लॉप जाती हैं। हमारे देखने और पसंद करने के हिसाब से ही ये फिल्में हिट और फ्लॉप जाती हैं। लेकिन बॉलीवुड में कुछ एक्टर ऐसे भी हैं जिनकी फिल्में कितनी भी फ्लॉप रहे हमें उनकी फिल्म पसंद आती ही आती है। जैसे कि अगर हम बात करें बॉलीवुड के डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती की, तो इनकी फिल्में भी लोग बहुत ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। बॉलीवुड के स्ट्रीट डांसर गोविंदा की बात की जाए तो इनकी भी फिल्में लोग बहुत देखना पसंद करते हैं। वहीं बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान को भी लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। और आज इस वीडियो में मैं आपको इन तीनों की उन फिल्मों के बारे में बताने वाला हूं जो 1994 में आई थी, और साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी फिल्म ने ज़्यादा कमाई की थी और ये फिल्में हिट रही या फ्लॉप। तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा गोविंदा की फिल्म दुलारा से। गोविंदा की फिल्म दुलारा 28 जनवरी 1994 को आई थी। इस फिल्म के डायरेक्टर थे विमल कुमार और ये एक कॉमेडी एक्शन मूवी थी। वहीं अगर बात की जाए इस फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, इस फिल्म का बजट था 1,80,00,000 और इस फिल्म ने इंडिया में 6,53,00,000 का बिजनेस किया था। वहीं अगर वर्ल्ड वाइड की बात की जाए तो इस फिल्म ने 6,60,81,250 का कलेक्शन किया। अगर बात करें इस फिल्म की हिट या फ्लॉप की, तो ये एक एवरेज फिल्म रही। अब बात कर लेते हैं दूसरी फिल्म की। दूसरी फिल्म यानी शाहरुख खान की अंजाम। ये फिल्म भी 22 अप्रैल 1994 को आई थी और इस फिल्म के डायरेक्टर थे राहुल रावेल और इस फिल्म के लिए शाहरुख खान को फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट विलन से नवाजा भी गया था। अगर बात की जाए इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बजट की, तो इस फिल्म का बजट था 2,65,00,000 और इस फिल्म ने 9,66,00,000 का बिजनेस किया था और ये 1994 की हिट फिल्म साबित हुई थी। अब वहीं अगर बात करें बॉलीवुड के डिस्को डांसर कहे जाने वाले मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म चीता के बारे में कि इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या था और बजट क्या था, तो आपको बता दें कि ये फिल्म 24 जून 1994 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म के डायरेक्टर थे हरमेश मल्होत्रा। इस फिल्म का बजट 1,85,00,000 था। वहीं इस फिल्म ने 6,68,00,000 का बिजनेस किया था। अगर वर्ल्ड वाइड की बात की जाए तो इस फिल्म ने 6,74,30,000 का बिजनेस किया और ये भी एक हिट फिल्म साबित हुई थी। आपको इन तीनों फिल्म में कौन सी फिल्म ज्यादा पसंद है, इस बारे में हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें।